जय श्री राधा माधव। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज जी के प्रवचनों से आज स्वामी जी कह रहे हैं, हम भगवान के हैं, केवल हाँ कहना है कि ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि, ममे वांशो जीव लोके, जीव भूता सनातना। गीता कहती है, ममे वांशो जीव लोके, यह मेरा ही अंश है, खास मेरा अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। हम परमात्मा के अंश हैं। यह शरीर प्रकृति का अंश है, प्रकृति भी है भगवान की, तो भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। आपके और आपके स्वभाव का भेद नहीं होता और अभेद भी नहीं होता। आप अपने स्वभाव को अलग बता सकते हो और नहीं भी बता सकते हो। खास अपने को क्या करना है, हम पिताजी के हैं, शरीर तो प्रकृति का है, पर हम तो परमात्मा के ही हैं, परमात्मा के ही। जीव पर परा प्रकृति है और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु अपरा प्रकृति है। हम खास परमात्मा के अंश हैं। 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में बताया है, शरीर स्थो अपि, शरीर में स्थित होते हुए भी कर्ता भोक्ता नहीं है। तो कर्ता भोक्तापन को हटाना नहीं है, इसे स्वीकार ही नहीं करना। जब कर्ता नहीं है तो भोक्ता भी नहीं है, जब भोक्ता नहीं है तो संसार भी नहीं है। खास हमारे परमात्मा हैं, कोई चीज़ हमारी नहीं है। इसकी पहचान कि कोई चीज़ हमारे साथ गई नहीं, जाती नहीं, जाएगी नहीं और जा सकती नहीं। और परमात्मा कभी अलग होंगे नहीं, अलग हो सकते ही नहीं। परमात्मा पहले दूर नहीं थे, दूर नहीं हैं, दूर होंगे नहीं और दूर हो सकते ही नहीं। अगर यह बात स्वीकार कर लो तो प्रेम हो जाए। प्रेम जैसे मीराबाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। पहले भी कहा है, फिर कहता हूँ, परमात्मा हमारे हैं। एक बार दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लें कि परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा के हैं। परमात्मा के साथ रहते रहते हमारे साथ कोई भोग रहेंगे ही नहीं, परिश्रम और पराश्रय नहीं है। सिवाय परमात्मा के कुछ था नहीं, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता नहीं। परमात्मा ही परमात्मा है। कोई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, सबके लिए वासुदेव सर्वम। गीता का खास सिद्धांत बताया, वासुदेव सर्वम। ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है, ऐसे महात्मा हम हैं। केवल स्वीकार कर लो, यह आखिरी बात है। केवल स्वीकार कर लो। घर का काम इतना ही है कि हाँ, इसमें क्या बाधा लगी है। सिवाय परमात्मा के कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इसके लिए ही भजन, ध्यान, जप, कीर्तन, स्वाध्याय, सत्संग, तीर्थ करना है। समझ में आ जाएगा और पहले ही समझ लो तो ठीक है। यह स्वीकार कर लिया, बस पूर्ण हो गया, पूर्ण। कुछ भी अप्राप्त नहीं रहा, केवल स्वीकार कर लिया, स्वीकार। जैसे आपकी कन्या वर को स्वीकार कर लेती है, पतिव्रता है तो कहना ही क्या। अगर आचरण खराब है तो भी बहू तो उसकी ही कहलाती है। पुत्र होता है, पूत होता है, सपूत होता है। पूत तो है ही, भगवान शंकर के भक्त की बात सुन रहे हैं। जानवर मार के खाता है,
पर शिवरात्रि के दिन ज्योति सहित भगवान पर चढ़ गया तो भगवान प्रकट हो गए। तो है जैसे ही भगवान के हो जाओ, है जैसे हम भगवान के हैं, खराब हैं तो भगवान के, हम तो केवल भगवान के हैं, बस स्वीकार कर लो। स्वीकार करने के सिवाय कोई जरूरत नहीं। धनुष टूटते ही विवाह तो हो गया, अब नेकचार करना है, जांची की नहीं, अब भजन करेंगे, नेकचार करना है। अपने अपने कमरे में नाचो, देख लिया देख लिया, जूती सहित चढ़ जाओ, इतनी विशेष बात है। हम जैसे हैं वैसे ही भगवान के हैं, शुद्ध करो ना करो आपकी मर्जी, हमें क्या मतलब, भगवान के होते ही शुद्ध हो जाता है, पारस पारस ही बनाता है, सीधी बात है, केवल हाँ 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 महाराज, ममे वांशो कह हाँ महाराज, ईश्वर अंश कह हाँ महाराज, इतना ही खर्चा है। लड़की के ब्याह विवाह में खर्चे लगे, ममे वांशो कह हाँ महाराज, घर का खर्चा इतना ही है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सुधरही अब हूँ आज, होई राम को नाम जपूं। भगवान का होकर नाम जप करें, कुसंग ना हो, इससे सुगम क्या है बताओ, ममे वांशो कह हाँ महाराज, ईश्वर अंश कह हाँ महाराज। नारायण नारायण नारायण, जय श्री राधा माधव।